हेलो वेलकम, तुसी देख रहे हो एबीपी सांझा। तो मैं हाँ बल्ली बाट। पंजाबी इंडस्ट्री में हर रोज़ नवे चेहरे मिल रहे हैं, नवी अदाकारा मिल रही हैं। उन्होंने विच एक ने तनु ग्रेवाल, जिन्ह ने पंजाबी गाने तो बाद हुण सीधा मोर्चा मारिया गिप्पी ग्रेवाल की शावा निगरदारी लाल। सो सब तो पहला थोड़ा इंडिया दे विच वेलकम है, तुहानू प्यार भरी सत श्री अकाल। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। की हाल चाल? वधिया, तुसी सुनाओ? गुड गुड। सब तो पहले मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, तो डेब्यू मूवी है शावा निगरदारी लाल एंड वड्डी स्टार कास्ट, जिहदे विच इन्ने सारे चेहरे ने, फीमेल चेहरे बहुत ज़्यादा ने, गिप्पी ग्रेवाल ने। सो हाउ डू यू फील? आई फील रियली लकी एक्चुअली। मेरी पहली फिल्म आ, तो पहली फिल्म इन्नी वधिया मिली, इन्नी वधिया स्टार कास्ट दे नाल मिली। सो मैं तो लकी महसूस करती हूँ अपने आप में। इस तो पहले तनु ग्रेवाल नूं असीं गाणिआं दे विच देखिआ, चिट्टा कुर्ता दे गाणे विच देखिआ, रेमिस टांजर दे विच देखिआ, अमृत मान दे गाणिआं दे विच देखिआ। तो उदों डिसाइड कीता सी कि तनु ग्रेवाल गाणे तक ही सीमित रहूगी कि अगे मूवीज़ वाली मूव करूँ? पहला तो ही सीगा मैनू भी, मैं फिल्मों च जाना आ, वो तो मैं एक स्टैपिंग स्टोन सीगा मेरे लिए म्यूजिक वीडियोज़। पर पहला तो ही शौक सी छोटे होंदे तो कि वड्डे होके एक्ट्रेस बनना आ। तो जदों मैनू लग्या कि मैं रेडी हाँ, यू नो आई एम रेडी टू डू फिल्म्स नाउ, उदों लाइक जो तुम्हें पता कि पंजाब दे विच कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, चाहे सिंगिंग दे विच होवे चाहे एक्टिंग दे विच होवे। सो यू हैव यू डन एनी क्लासेस बिफोर दिस मूवी? वैल एक्चुअली पहला तो नहीं सी, पर जो मैं कैरेक्टर मिलया, जो मैं दसाया गया मेरा कैरेक्टर की है, उन्होंने प्रिपेयर करने लई, यस मतलब प्रिपेयर की, मैनू राणा जी ने मैनू प्रिपेयर किया इस कैरेक्टर लई। बस इस फिल्म दे विच गिप्पी ग्रेवाल दे नाल तुसी किदां दा किरदार करन वाले हो, किस किन्ने के तुहानू ऑडिशन दे लई देखांगे? वैल सारियां कुड़ियां दा इक्वल टाइम आ, राइट, वी आर 7 ऑफ अस, राइट। सो 10-12 मिनट सारियां कोल हैगे ने, है ना। उहदे विच वधिया फनी एक साडा कॉमेडी टाइप ऑफ साडा जिहड़ा होआ फिल्म दे विच पार्ट आ, इट्स फिल्ड विद कॉमेडी, वधिया आ। ते असीं उम्मीद करदे आ ते सारियां नूं वधिया लगूगा। सो आर यू सैटिस्फाइड कि जिन्नी ड्यूरेशन तुहानू मिली आ ओह बहुत वधिया उन्नी मिली डेब्यू दे लई? हांजी, डेफिनेटली, क्योंकि हरेक दे जिन्हों या देयर 7, राइट, 7 ऑफ अस, पर सारियां दे अलग अलग कैरेक्टर ने, अलग अलग यूनिक वे सारियां ने अपने आप नूं पेश किया, राइट। सो या व्हाट डू यू थिंक पर्सनली जिहड़ा तुहाडा लाइफ चेंजिंग मोमेंट जां लाइफ चेंजिंग गाना ओह किहड़ा सीगा? डेफिनेटली रिमेंबर्स चांजर, वह मेरा पहला गाना सीगा, मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा हमेशा। तो या उस तो बाद मैनू ऑपरचुनिटीज आने लगियां सी पहले गाने बाद। लाइफ जो पहला गाना हिट होया सुपर डुपर करण औजला का गाना सीगा नाल, तां लाइफ से किदां दा चेंज आया सीगा, मतलब बिफोर दिस सोंग एंड आफ्टर दिस सोंग? बहुत वधिया, लाइक बट इट वॉज अ रियली गुड चेंज, क्योंकि मतलब उदों आई थिंक करण औजला ही वॉज जस्ट स्टार्टेड, राइट, तो मतलब स्टार्टेड बींग हिट एट दैट पॉइंट। तो उदों असी सारे ने एक वे दे ग्रो किया, चेंज जरूर आई सी क्योंकि ऑपरचुनिटीज मिल लग गई सी। इट वॉज अ गुड प्रोजेक्ट ओवरऑल। 17 दिसंबर को साड़ी पूरी पंजाबी इंडस्ट्री में एक नवा चेहरा मिलन जा रहा है तनु ग्रेवाल के नाम नाल। हुण तुसीं इंडिया आ गए हो, तो थोड़ा इस अलावा शूट चल रहा है यार मर तितलियां वर्गा गिप्पी ग्रेवाल के नाल, एंड इस अलावा हुण इंडिया शूट दे इंडिया स्केड्यूल दे विच पाइपलाइन दे विच की हैगा? बस एक होर फिल्म आ यार मेरा तितलियां वर्गा, उस तो अलावा हजे कुछ प्लान नहीं किया होया। एज ऑफ राइट नाउ इट्स जस्ट दीस टू फिल्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ यू गॉट दिस मूवी? एक्चुअली मैं म्यूजिक वीडियोज़ तो शुरू किया, वो मेरा इट्स खाना माई परफोलियो, है ना। तो उतों मैं शुरू किया, तो फिर मैं ऑपरचुनिटी आई कि मैं मिलना चाहते ने, फिर असं मीटिंग सैटअप की, तो मिले, तो मैनू कैरेक्टर वधिया लग्या, सारा कुछ ओवरऑल फिल्म प्रोजेक्ट मे मैनू लग्या इट्स इट्स अ गुड रियली गुड ऑपरचुनिटी। सो इदा ही सी, बस दे जस्ट रीच आउट टू मी एंड आई ऑब्वियसली कुडंट से नो। पूरी मूवी का एंड गिप्पी बाई का थोड़ा बेस्ट पार्ट की लगता है? आई थिंक पूरी फिल्म का एक द फैक्ट दैट इज़ सो यूनीक, एंड दूजी गल इट्स अ पीरियड बेस्ड फिल्म, 1940s दे विच आ। सो अपन पूरा माहौल किदा सारा कुछ उदों हुंदा सीगा, लाइक कपड़े किदां दे हुंदे सी, बाकी बोलचाल किदां दी सी, सिचुएशनस किदां दीआं सीगियां, अपने दादा दादियां दी लाइफ स्टाइल किदां दी सी उदों, है ना। वो चीज़ देखण नूं मिलेगी, सारा सभ्याचार, राइट, ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग कि आपां नूं सीखण नूं बहुत चीज़ां मिलदियां, ते उही आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म इज़ कि पुराना जो भी आ सभ्याचार वगैरह वो सारा कुछ देखण नूं मिलेगा इस फिल्म दे विच। एज वी ऑल नो कि यू आर तुसी बॉर्न बॉटम कैनेडा दे विच, है ना, तो जी तुसी कहा कि पंजाब पुराना दिखाना, सभ्याचार दिखाना, तो फैमिली दी इंपोर्टेंस किन्नी रही? फैमिली तो किन्ना कुछ जाने कि कल्चर किदा आया, किदा दा पहरावा, जां कि लैंग्वेज यूज की जाती सीगियां, किहड़ियां उदों टिपिकल सभ्याचार चीज़ां जिहड़ी यूज की जाती सी? वैल फैमिली सपोर्ट करदे, तुसी उन्हां को इनफॉर्मेशन ली होगी, थोड़ा ज्ञान लिया होगा, है ना, कि पंजाब का कल्चर, क्योंकि तुसी उत्थे जम्मे पले हो। हाँ जी, हाँ जी, वैल फिल्मां दे विच पता लग जाता, बाकी जदों मेरे फैमिलीज अपने अपनी लाइफ बारे, दादा दादी मैनू अपने लाइफ बारे दसदे सी, मैनू इन्ना पता सी कि बहुत वड्डिया वड्डिया फैमिलीज हुंदियां सी, ते एक ही घर च रहिंदे हुंदे सी, कोठे सारे जुड़े हुंदे सी, ए वी मैनूं पता सी। ते बाकी मतलब फैमिली बहुत ज़्यादा क्लोज हुंदी सी उदों, इन्ना मैनूं पता आ। हाँ जी,
थैंक यू सो मच तनु गरेवाल एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर 7th ऑफ दिसंबर शावनी गिरधारी लाल थैंक यू सो मच सारे जाने जरूर देखने जाए साड़ी फिल्म शावनी गिरधारी लाल 17 दिसंबर थैंक यू सो थैंक यू